अस्सलामुअलैकुम। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए। तो जब भी मेरी कोई नई वीडियो आएगी आपको पता चल जाएगा, सब्सक्राइब करना ना भूलें। बिस्मिल्लाह करके स्टार्ट करते हैं रेसिपी। नई रेसिपी लेकर आए हैं, जैसे कि आप देख रहे हैं मखाना डाले हैं पैन के अंदर। इसको अच्छे से हम रोस्ट कर लेंगे। इसको एकदम बिल्कुल तेल नहीं डाले हैं और इसमें बिल्कुल ना तेल ना घी यूज़ होगा। और ये देखिए हम बना के आ रहे हैं, बहुत ही ज़बरदस्त रेसिपी है यह। आप सर्दी में ना पूरे सर्दी आप इसको यूज़ करिए और बच्चों को भी दीजिए। जो दर्द होती है आजकल, जो घुटनों में, कमर में, सर की जो भी दर्द है, कहीं भी दर्द होती है ना, ये आप इसको पियेंगे बहुत ही फ़ायदा मिलेगा और हड्डी के लिए ना बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद है। ये देखिए हमारा हो चुका है मखाना, इसको इसको पुलावा भी बोलते हैं। ये देखिए हम जार में डाल चुके हैं। अगर जार में डाले हैं फिर थोड़ा ठंडा हो जाएगा, तो इसलिए हम फिर पीसेंगे। फिर हम ये लिए हैं छुहारा। छुहारा बहुत ही अच्छा होता है, ये हड्डी के लिए बहुत ही फायदेमंद होता है, आप सभी जानते हैं। इसको हम रोस्ट कर रहे हैं, जैसे ये आप देख रहे हैं हम इसको भून रहे हैं अच्छे से, बिल्कुल घी नहीं डाले इसमें। ये देखिए भून जाता है, फिर अच्छे से ये पीस जाता है। और इसके अंदर जो बीज होता है उसको कट करके निकालेगा आगे, जैसे हम दिखाएंगे आपको। ये देखिए अच्छे से हम इसको भून लेंगे, जैसे आप देख रहे हैं ये हो चुका है। इसको भी हम निकाल लेते हैं प्लेट में। ये देखिए फिर इसके बाद हम डालते हैं अखरोट। अखरोट डालते हैं, सब बराबर लिए हुए हैं जितना अखरोट, सबको एक एक साथ बराबर नाप के आप लीजिएगा। ये देखिए अखरोट भी हम इसको भून लेंगे अच्छे से। ये देख रहे हैं जैसे आप, बहुत ही अच्छा होता है, बहुत ही जल्दी रेसिपी बनती है, झटपट में तैयार हो जाती है। ये आप जैसे देख रहे हैं, बस ये भी रेडी हो गया है। बस इसको भी हम निकाल ही लेंगे प्लेट में। ये देखिए अब ये देखिए हो चुका है अखरोट हमारा, भून चुका है। अब इसमें हम डालेंगे बादाम। ये देखिए अब बादाम को हम भून लेंगे। देखिए ना बिल्कुल घी का यूज नहीं हुआ है इसमें। इसको सर्दी पर ज़रूर इस्तेमाल करिए, इस्तेमाल करने से ही आपको फ़ायदा मिलेगा, बहुत ही फ़ायदा मिलेगा आपको। ये देखिए इसको भी हम भून लिए अच्छे से, ये हो चुका है हमारा। फिर इसको हम लावा जो लिए थे पहले, हम लावा को पीस लिए अच्छे से। फिर इस बर्तन में हम निकाल लेंगे लावा को। फिर देखिए हम अखरोट डालें इसमें, ऐसे ही करके हम सब सारा पीस लेंगे ड्राई फ्रूट। ये देख लीजिए, ये देखिए डाल लिए। अब फिर हम चला लेंगे इसको। ये देखिए, ये देखिए हो भी चुका है, ये बहुत ही जल्दी पीस जाता है। ये देखिए इसको भी हम निकाल लेंगे इस बर्तन में सारे को। ये देखिए ये एक बार आप बना लेंगे ना तो एक महीना पूरा चल जाता है, बिल्कुल ख़राब नहीं होता है। और इसको आप फ्रिज में भी स्टोर कर सकते हैं। ये देखिए हम छुहारे का बीज निकाल लें, बस ऐसे बीच में से फाड़ रहे हैं और ये बीज निकल जा रहा है। ये देखिए बस ऐसे ही करके हम फिर चला लेंगे इसको और बहुत ही अच्छे से पीस जाता है, एकदम बारीक हो जाता है पाउडर इसका। अभी हम आपको आगे दिखाएँगे इसका पाउडर, देखिए कितना बारीक हो जाता है, बहुत ही इजी से हो जाता है। अब ये देखिए हम उसमें छुहारा डालेंगे। ये देखिए पीस के हमारा, ये देख रहे हैं ना कितना बारीक पिसा हुआ है। अब इसको मिक्स कर देंगे इसमें। ये देखिए अब फिर हम बादाम को पीसेंगे, ऐसे ही करके सब एक एक बार हम पीस लेंगे सबको अच्छे से। ये देखिए हमारा बादाम भी हो चुका है। अब ये हम सारा डाल के अच्छे से हम मिक्स कर देंगे सारे को। ये देखिए
ये देखिए अच्छे से मिक्स करके इसको हम फिर रख लेंगे डिब्बे में। इसको जैसे आप अभी देखेंगे आगे वीडियो में, देखिए हम रख रहे हैं बहुत, इसको एक महीना एकदम चल जाता है बहुत ही आसानी से, बहुत ही हेल्दी है। इसको ज़रूर ट्राई करिए, दर्द में बहुत ही फायदा करता है, हड्डी के दर्द में। और इसको आप किसी भी टाइम पी सकते हैं, सुबह पी सकते हैं, सोते वक्त पी सकते हैं, दूध में डाल के, इसको दूध में डाल के पीजिएगा। लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और इसको पूरी वीडियो देखिए, बहुत ही आपको फ़ायदा होने वाला है इस वीडियो को देख के। मेरी सारी वीडियो बहुत ही अच्छी होती है और आपको पसंद आती है तो आप लाइक करिए और सब्सक्राइब करिए। फिर मिलते हैं नई रेसिपी के साथ, तब तक के अल्लाह हाफिज़।